हेलो गाइस, प्लम्बर सर्विस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक कंप्लेन आई है जो कि डायवेटर की है। डायवेटर ऑन करने पर इस पाउस से भी पानी आ रहा है और शावर से भी पानी आ रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं जब भी हम डायवेटर ऑन कर रहे हैं तो इस पाउस से भी पानी आ रहा है और शावर से भी पानी आ रहा है। इसका जो टिकटॉन है वो फेल हो चुका है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इस पाउच से पानी बहुत कम आ रहा है। तो आज ये दोनों प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। दूर करने के लिए हम इस डायवेटर के हैंडल को खोलेंगे। हैंडल खोलने के बाद इस प्लेट को बाहर निकाल लेंगे। प्लेट को निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये टाइल्स वाले ने पूरा लॉक कर दिया है, जिससे कि हम डायवेटर का टिकटॉन नहीं खोल पाएंगे। इसके लिए हमको थोड़ा सा टाइल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा टाइल्स को तोड़कर ये टिकटॉन को खोलना है, खोलकर बाहर निकाल लेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सही कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। टिकटॉन की जो रिंग होती है वो निकल गई थी, जिससे वो फेल हो गया था। तो टिकटॉन तो काम कर दिए, बट आप देख सकते हैं अभी भी जब हम ऑन कर रहे हैं तो ये स्पाउस से पानी बहुत कम आ रहा है। तो ये हमारी अब दूसरी प्रॉब्लम है जिसको अब दूर करना है। पहली प्रॉब्लम था कि जब भी स्पाउस खोला जा रहा था, डायवर्टर ऑन कर रहे थे तो शावर से भी तो पानी अभी आ हम रहा था। दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायवर्टर का जो कार्टेज होता है उसको खोलेंगे, क्योंकि डायवर्टर के कार्टेज में ही कोई कचरा फंसा हुआ है। तो इसको खोल लेते हैं हम डायवर्टर के कार्टेज को, क्योंकि डायवर्टर के कार्टेज में फंसा होगा या तो बॉडी में। तो ये बॉडी में फंसा हुआ है, अगर डायवर्टर के कार्टेज में फंसा होता तो वो निकल जाता, मगर ये बॉडी में फंसा हुआ है। तो अभी हम ये अंदर भी बॉडी में फंसा होगा। तो अभी हम पानी बंद कराए थे, अब पानी थोड़ा सा खोल कर देखेंगे कि पानी का प्रेशर कैसा है। अगर ये इस तरह से ही सही हो जाए, देखिए आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर बहुत ही अच्छा है, बट इस पाउच से पानी नहीं आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए बंद करने के बाद भी आप देख सकते हैं इस पाउच में कितना किलो पानी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके बॉडी में कुछ फंसा हुआ है। तो बॉडी में कुछ फंसा हुआ अगर है तो उसको सही करने के लिए हमें किसी तार की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम पानी बंद कर रहे हैं देख सकते हैं आप कितना पानी का प्रेशर कम है। इस पाउच में पानी आ ही नहीं रहा, और वैसे पानी का प्रेशर बहुत ही अच्छा है बट इस पाउच में नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पानी है। तो इसको हम तार की सहायता से साफ कर लिए। साफ करने के बाद आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर अच्छा खासा बढ़ गया है। पहले जो पानी का प्रेशर बहुत कम था वो अच्छा खासा साफ हो करने के बाद सही हो गया है। तो जो भी कचरा था इसके इस बॉडी में जाके फंसा हुआ था, जिसको हम एक तार होता है GI तार, ये तार है जिसकी सहायता से हम इसको साफ किए थे। आपकी भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो तार के सहायता से साफ कर सकते हैं, कार्टेज खोल कर साफ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो दो प्रॉब्लम थी, अब ये दोनों प्रॉब्लम सही हो गई है और हमारा ये डायवर्टर अभी कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट करने के बाद हम देख सकते हैं पानी का प्रेशर अच्छा है और टिकटॉन चलाने पर शावर भी में भी पानी अच्छा आ रहा है। पहले क्या होता था, जब भी हम डायवर्टर की हैंडल ऑन करते थे तो इस पाउच से भी पानी आ रहा था और टावर से। तो वो प्रॉब्लम जो हमारी थी वो टिकटॉन से थी। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब हम इस पाउच खोलते थे तो इस पाउच में पानी बहुत ही कम आ रहा था। तो ये कंप्लेंट पर हम आज ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं। पहली प्रॉब्लम टिकटॉन में थी और दूसरी प्रॉब्लम इसके बॉडी में कुछ कचरा आकर फंसा हुआ था। वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं पानी का प्रेशर बहुत ही अच्छा हो गया था। पहले के मुकाबले आप बहुत अच्छा पानी दे रहा है और टावर भी अच्छा चल रहा है। ये कंप्लेंट हमारी सॉल्व हो चुकी है दोस्तों।